के रास्ते में पूरी अंधेरा हो गया है। हम लोग जो है 15 दिन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब लोगों को बोल के थक गए। लाइटिंग के लिए बोले तो अब वो लाइटिंग वाले बोल रहे हैं कि भाई कोई जो काउंसलर है वो सीट पर नहीं है, हम क्या करेंगे, माल नहीं आ रहा, हम नहीं डाल सक रहे, ये बात बताई जा रही है। अब क्या है क्या नहीं पता नहीं। कमिश्नर साहब कभी एक बार भी दरगाह को आकर के इधर का मामला नहीं देखे, कितनी गंदगी है, कितना परेशानी हो रही है, वो भी नहीं देख रहे। कम से कम एक राउंड तो देखना। दरबार इस कल्याणी का सबसे बड़ा दरबार है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा मेला यही दरबार में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही है समझो। अब रात में कभी अगर कोई मैयत आ गई तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब अंधेरे में उनके पैरों में क्या आ रहा, पहले तो घास उठा हुआ है, आसपास बारिश के वजह से जो है पंदा हुआ है, कुछ भी चीज़ पाँव में आएंगी तकलीफ हो रही है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये कब से बंद है लाइट? ये कम से कम 15 दिन से लाइट बंद है, 15 दिन महीना हो गया। ये सामने की लाइट तो 1 महीना 1.5 महीना हो गया बंद है, कोई आने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार। पूरे लाइट बंद है? पूरे लाइन बंद है, यहाँ से लेकर के पूरा आगे चौरस्ते तक पूरे लाइन बंद है। कोई वायर निकाले या लाइट शॉर्ट हो गई है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं चला। अब सीएम से मैं कंप्लेंट दिया तो क्या बता रहे हैं आपको? अब हम बोले तो हाँ हम करा रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्स नहीं है। तो 15 दिन से अब तक कोई भी आया नहीं, कोई देखा नहीं? आए, एक नजर चले गए, क्या होने वाला है उससे, कोई काम भी तो होना, कुछ अमल तो होना नहीं। अब हम जो भी है सब लोगों को बोल रहे हैं बराबर, वो जो काम कराने वाले हैं, जो लाइट के डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको भी बोले तो हाँ बिल्कुल हम कराएंगे बता रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया। औरतें बच्चे आने जाने वाले रात पाट कोई भी। अब कल्याणी का यही एक दरबार है जो रात में रुकने के लिए किसी भी आम आदमी के लिए जगह है, वरना कहीं नहीं है। अगर कोई मुसाफिर आ गया रात के वक्त में अपने बीवी बच्चों को लेकर के, तो उसको सिर्फ ये दरबार के सिवा और कहीं जगह नहीं मिलती रात में। वो सुबह फिर यहाँ रुक के, सुबह उठ के पानी पी के जो है अपने अपने गांव को चले जाते आसपास के लोग। लेकिन यहाँ आने के लिए रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना, औरतें बच्चे अंधेरे में आएंगे कैसे? अच्छा, ये अंधेरे में कुछ हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है भाई? और बोलेंगे कि देखो दरबार की तरफ से ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है, मगर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब डिपार्टमेंट को बोल, अब हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमिश्नर साहब से कि वो आए और इस जगह को देखें, लाइट का इंतजाम का क्या है मसला देखें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी बोल चुके हैं, लाइट ऑफिस से भी हमारी गुजारिश है कि वो ये रास्ते की लाइट का जो है काम कुछ करें बस।